हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमी से मैजिंग है तो आज हम एक्सरसाइज 3.5 का स्टैंडर्ड uh, 10 का 3.5 का क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर टू हमें गिवन है फर्स्ट फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लिनर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सोल्यूशन एंड ए क्वेश्चन इज टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू सेवन एंड ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू थ्री ए प्लस बी माइनस टू ये हमें एक क्वेश्चन गिवेन है और ऐसा बोला गया कि ए और बी की हम वैल्यू क्या रखें जिससे इसके मैनी सोल्यूशन फ़ाइन हो मैनी सोल्यूशन फ़ाइन करने के लिए हमारे पास में एक कंडीशन था ए वन अपॉन ए टू इजक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इजक्वल टू सी वन अपॉन सी टू तो पहले हम यहाँ तीनों रेशियो फाइन कर लेते हैं ए वन अपॉन ए टू टू अपॉन ए माइनस बी बी वन अपॉन बी टू थ्री अपॉन ए प्लस बी एंड सीवन अपॉन सी टू सेवन अपॉन थ्री ए प्लस बी माइनस टू इन फाइनेटली सोल्यूशन है दैट मीन्स ये तीनों रेशियो इक्वल होंगे और तीनों रेशियो में हम इनकी वैल्यू रख देते हैं टू ए माइनस बी थ्री ए प्लस बी सेवन थ्री ए प्लस बी माइनस टू अब यहाँ पर हम ये फर्स्ट सेकेंड ये दोनों इक्वल ले लेते हैं तो टू ए माइनस बी इज इजक्वल टू थ्री ए प्लस बी सेकेंड में हम ये दोनों रेशियो इक्वल ले लेते हैं तो थ्री ए प्लस बी इजक्ल टू सेवन थ्री ए प्लस बी माइनस टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं जिससे हमें फाइन हो जाएगा टू ए प्लस टू बी इज टू थ्री ए माइनस थ्री बी तो ए इजक्ल टू फाइव बी राइट सेकेंड uh, इक्वेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे जिससे हमें फ़ाइन हो जाएगा नाइन ए प्लस थ्री बी माइनस सिक्स इज इक्वल टू सेवन ए प्लस सेवन बी इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें फ़ाइन हो जाएगा टू ए इजक्ल टू फोर बी प्लस सिक्स और यहाँ से हम ए की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं तो टू फाइव बी इज इक्वल टू फोर बी प्लस सिक्स और टेन बी इजक्वल टू फोर प्लस सिक्स सो सिक्स बी टू सिक्स देन बी इज इक्वल टू वन और बी की वैल्यू हम इसी इक्वेशन में रख देते हैं तो बी इज इक्वल टू वन देन ए इक्वल टू फाइव इन टू वन इज इक्वल टू फाइव राइट तो इस तरह से हमें ए की वैल्यू फाइव भी फाइंड हुआ था ये वैल्यू हमने इक्वेशन टू में रख दिया जहाँ पर ए है तो ये फाइन हो गया टू फाइव बी इज इक्वल टू फोर बी प्लस सिक्स जिससे हमें बी की वैल्यू वन फाइंड हो गया और वन जो वैल्यू हमें फाइंड हुआ हम इसी इक्वेशन में रख देंगे जिससे हमें ए का वैल्यू फाइंड हो जाएगा सो ए इज इक्वल टू फाइव और बी इज इक्वल टू वन यानी ए की वैल्यू अगर फाइव होगा और बी की वैल्यू वन होगा तो जो हमें इस इक्वेशन जो दिया गया हमें इसके मैनी सोल्यूशन इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन फाइंड होंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड की अगर हम बात करें इसी में तो फोर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन नो no सॉल्यूशन के लिए हमारे पास में कंडीशन था कि फर्स्ट रेशियो एंड सेकेंड रेशियो इक्वल हो और थर्ड रेशियो इक्वल ना हो हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन टू के माइनस वन एक्स प्लस कोई के माइनस वन इज इक्वल इन टू वाई इजक्वल टू टू के प्लस वन तो तीनों रेशियो हम फाइंड कर लेते पहले और नो no सॉल्यूशन है दैट मीन्स ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू ये दोनों इक्वल है डज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं हमें के की वैल्यू फाइन करना है दैट मीन्स के का आ, के इज इक्वल टू फाइन करना है तो हम यहाँ पर रखेंगे वैल्यू और इसे हम सिंप्लीफाई कर देंगे जिससे हमें फाइन हो जाएगा के इज इक्वल टू टू राइट थर्ड क्वेश्चन हमें दिया गया है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्टीट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड and एक क्वेश्चन इज 8x एक्स प्लस फाइव वाई इजक्वल टू नाइन एंड थ्री एक्स प्लस टू वाई इजक्ल टू फोर इस क्वेश्चन में हमें ऐसा दिया गया है कि दोनों मेथड से हमें इसे सॉल्व करना है सब मेथड से भी सॉल्व करना है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सॉल्व करना है सब मेथड में क्या करते थे हम किसी एक वेरिएबल्स को हम सब्जेक्ट बनाते थे तो यहाँ पर हम एक्स को सब्जेक्ट बना लेते हैं वन में से नाइन माइनस फाइव वाई अपॉन एट राइट right? और इसे इक्वेशन टू में हम वैल्यू रख देते हैं और इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं सिंप्लीफाई हम करेंगे जिससे हमें फ़ाइन हो जाएगा ट्वेंटी सेवन माइनस फिफ्टीन वाई प्लस सिक्सटीन वाई इज इक्वल टू थर्टी टू और इसे हम सॉल्व करेंगे जिससे हमें फ़ाइन हो जाएगा वाई इज इक्वल टू फाइव और वाई की वैल्यू हम इक्वेशन वन में रख देते हैं इक्वेशन वन में रखेंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें फाइन हो जाएगा एक्स की वैल्यू माइनस टू राइट इस तरह से हमें फाइन हो गया एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एंड वाई इज इक्वल टू फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन सॉरी क्वेश्चन नंबर इसी में हमें दिया गया क्वेश्चन नंबर थ्री में uh, दिया गया है कि इसे सब्टी मेथड से भी सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सॉल्व करो तो क्वेश्चन नंबर uh, हमने सब्टी से सॉल्व किया अब हम इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसे हम पहले सभी नंबर्स को एक साइड में ले आते हैं जितने भी टर्म्स हैं राइट और इक्वल uh, में हम जीरो ले, ले लेते हैं और फिर इसके बाद में हम एक्स वाई और वन ले लेते हैं एक्स को हाइड करेंगे तो यहाँ से फाइव मिल जाएगा यहाँ से टू तो फाइव एंड टू माइनस नाइन एंड माइनस फोर सो माइनस नाइन माइनस फोर एंड वाई को हाइड करेंगे तो एट और थ्री हो जाएगा फाइन हो जाएगा हमें और यहाँ पे एट और थ्री लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा फाइव एंड टू अब इसे हम सॉल्व कर देते क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सो एक्स ट्वेंटी ये हो गया फाइव फोर जा माइनस ट्वेंटी एंड नाइन टू जा एटीन और यहाँ पे माइनस है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा नाइन थ्री 27 ट्वेंटी सेवन और फोर थर्टी टू तो ये भी हो जाएगा और ए टू 16 सिक्सटीन माइनस फिफ्टीन तो इस तरह से अगर हम फाइंड करें तो इसकी वैल्यू तो हमें वन फाइंड हो गया राइट और यहाँ पे हमें फाइंड हो जाएगा एक्स इज़ अपॉन माइनस टू इज इक्वल टू वन इसके इक्वल में ले लिया हमने इसमें हमें, हमें फाइंड हो जाएगा वाई अपॉन फाइव इज इक्वल टू वन देट मीन्स हमें एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगा माइनस टू और यहाँ से हमें फाइंड हो जाएगा वाई इज इक्वल टू फाइव राइट तो इस तरह से हम कोई भी मेथड अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं जब हमें मेथड का नेम गिवेन होगा तो हमें उसी मेथड को हमें अप्लाई करना है अदर मेथड से अगर हम करेंगे तो हमारे वो जो भी आंसर होगा वो रॉन्ग माना जाए